महिला का घर के अंदर मिला गली सड़ी अवस्था में शव। अलीगढ़, 22 वर्षीय महिला का बंद मकान में मिला 10 दिन पुराना शव। बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। मृतक महिला का पति दूसरी महिला को लेकर है फरार। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था महिला का पति। मृतक के परिजन लगा रहे हैं पति पर हत्या का आरोप। सासनी गेट थाना क्षेत्र सराय काले खां का है मामला। सासनी गेट थाना क्षेत्र के सराय काले खां में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में भयंकर बदबू आने लगी। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में थाना अध्यक्ष सासनी गेट जावेद खान को सूचना दी और तत्काल मौके पर पहुंच गए। घर के दूसरी मंजिल पर जब जाकर देखा तो महिला का शव सड़ी गली अवस्था में पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 10 दिन से इस घर में किसी का आना जाना नहीं था। घटना की सूचना पर एसपी सिटी अभिषेक झा, क्षेत्राधिकारी प्रथम विशाल पांडे भी पहुंच गए। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि महिला का पति पिछले कई दिनों से गायब है। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि पति के साथ मृतका की चाची भी गायब है। मृतका का पति पिछले कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। घटना की सूचना पर मृतक महिला के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवा दिया। एसपी आर.ए. मणिलाल पाटीदार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। स्थानीय लोगों की माने तो मृतक महिला के पति का चाची के साथ अवैध संबंध था। आज मैं घर पे, तभी ठीक नहीं थी, घर पे सोया हुआ था काफ़ी देर लेट तक, तो कुछ लोग पहुँचे कि यहाँ मकान में से बदबू आ रही है बहुत ज़ोर की और नीचे नाली में खून पानी जैसा आ रहा है। मैं वहाँ से उठ के आया, कुछ लोग और मेरे साथ आए और हमने देखा तो वो खून और बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। हमने पहले पुलिस को टेलीफोन किया और पुलिस को टेलीफोन करने के बाद जब पुलिस आ गई, उसके बाद ताला तोड़ के किवाड़ तोड़े गए और किवाड़ तोड़ने के बाद जब देखा तो एक औरत की बॉडी अंदर मौजूद है जो अभी शनाख्त में नहीं आ रही है। जिस वक्त शनाख्त वहाँ से बॉडी निकाल रहे हैं। क्या लगता है कितने दिन पहले की डेड बॉडी होगी, क्या कंडीशन में बॉडी? ये आज 2-4 दिन की तो नहीं है क्योंकि सड़ रही है, कीड़े पड़े हुए हैं तो उसमें बॉडी तो कुछ ऐसी मालूम होती है कि 8-10 रोज पहले की हो, बहुत मुमकिन है। नहीं। और चीता सुबह घर पे आए, अभी का वक्त है लगभग टाइम ऐसे 11 का हो रहा हो या 12 का हो रहा हो। अभी आए तो बोले कि ऊपर से ब्लड आ रहा है बंद कमरे में से। हमने कहा अच्छा तो देखें, तो इतनी देर में बाबर भाई पूरी भीड़ के साथ आ गए। हमने बाबर भाई से कहा, बाबर भाई बोले ऐसा पहले पुलिस को सूचना कर दो, उसके बाद ऊपर जाएंगे, कोई ऊपर नहीं जाएगा। हमने जावेद भाई को, थाना इंचार्ज साहब को कॉल कर और दरोगा जी को, अपने क्षेत्र की जो दरोगा जी हैं उन लोगों को कहकर, वो लोग पूरे फोर्स के साथ यहाँ आ चुके हैं और हमने ऊपर जाके उनके साथ जब किवाड़ तोड़े और तारा तोड़ा तो पता लगा कि बुरखे में औरत कटुई पड़ी है कोई, तो उसमें जो है ब्लड जो निकल रहा है वो फटने पर निकल रहा है, वो फट गई है और डेड बॉडी इतनी पुरानी हो चुकी है, लगभग 20-25 दिन की टाइम लगभग हो सकता है और सारी वो फूल रही है सर। कौन महिला है कुछ जानते हैं? हाँ, 99% साहब उसके बेटी की बहू लगती है हमें, जो मुन्ना नाम का लड़का है इनका, अड़न चौधरी साहब का, हमें उसके बेटी की बहू लगती है। किसकी लड़की है ये? उनकी, कहाँ की रहने वाली है ये? पीली कोटी काले खाई की सरा की रहने वाली है और इसके बाप का नाम सिंधी है, इल्ला की भांजी लगती है। तो ये थाना शासनी क्षेत्र के सराय काले खा मोहल्ले का मामला है। पुलिसों के द्वारा जानकारी दी गई कि एक महिला इस घर में काफ़ी दिन से बंद है, तो पता किया गया तो एक वहाँ महिला के शव मिला है जो करीब 8-10 दिन पुराना बताया गया है। तो अभी तक जानकारी की है, इससे पता चल रहा है कि जो उसका पति है अभी वो में जेल में था, अलवाई जेल से निकल के आया था और वो भी मौजूद नहीं है। इसके बारे में और आगे की जानकारी करते हुए
टाइम ऑफ एसी क्या लग रहा है सर, क्या निकल के आ रहा है? मतलब ये अभी जांच का विषय है, जो जांच के तथ्य प्रकाश में आएंगे, क्योंकि बॉडी अभी मिली है तो अभी पूरी बात जानकारी में नहीं है, अभी आसपास के लोगों से पूछताछ चल रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसकी सब जगह की कार्रवाई की। क्या सर कितनी पुराना शव बताया जा रहा है? ये 10 दिन के आसपास का पुराना शव बताया। खबर जगत 24 न्यूज अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।